यो भाई लोग, कैसे आप सभी? वेलकम मैं गोगो यार सभी लोगों का दी के एक्सप्लोर गेमर्स पे। तो आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट वे टू स्टार्ट माइनक्राफ्ट सर्वाइवल इन बेडरॉक एडिशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है क्रिएट न्यू पे, फिर आपको जाना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे, फिर आपको इधर वर्ल्ड नेम पे अपने वर्ल्ड का नाम टाइप कर लेना। अभी मैं टाइप करता हूँ YT, ठीक है, वो IT टाइप कर लेता हूँ। फिर आपको जाना है गेम मोड पे, डिफ़ॉल्ट गेम मोड सर्वाइवल पे कर लेना। फिर डिफ़िकल्टी आप जो भी रखना चाहे रख सकते हो, पर पीसफुल पे, मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे, भूख नहीं लगेगी, मैं तो नॉर्मल सजेस्ट करूँगा। फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड प्रेफरेंस पे जाके स्टार्टिंग मैप को ऑन कर लेना है। फिर नीचे जाके जो प्लेयर इन्वाइट में होता है, प्लेयर परमिशन व्हेन जॉइनिंग फ्रॉम इनवाइट, तो इधर आपको चेक कर लेना है मेंबर पे है कि नहीं। फिर आपको जाना है नीचे, अगर आपके पास कोई सीड है तो सीड डाल लेना। फिर सिमुलेशन डिस्टेंस पे, अगर आपका 4GB रैम का मोबाइल है तो आप 6 तक का रख सकते हो, अगर आपका 2GB का है तो 4 का ही रखना, और अगर आपका 8GB प्लस का है, 8GB का है, तो आप कोई कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, ठीक है। तो आप फिर आपको जाना है शो कोऑर्डिनेट वर्ल्ड ऑप्शंस पे, फिर शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेना है। फिर जाएगी इमीडिएट रिस्पॉन्ड भी ऑन कर लेना है, क्योंकि जब आप मरते हो तो आपको रिस्पॉन्ड पर क्लिक करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा रिस्पॉन्ड ही हो जाओगे। फिर मल्टीप्लेयर पे जाके, अगर मल्टीप्लेयर ऑफ होगा तो आपको ऑन कर लेना है, मतलब अगर आपको कोई दोस्त को अगर गेम में बुलाना हो और ये मल्टीप्लेयर ऑफ होगा तो दोस्त नहीं आप बुला पाओगे, इसलिए ऑन कर लेना और इनवाइट ओनली पे सेट कर लेना है, इधर जाके इनवाइट ओनली पे, ठीक है। फिर विजिबल टू LNA प्लेयर्स ये भी ऑन ही रखना, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होगी आपको अपने फ्रेंड्स को ढूंढने को। फिर नीचे जाके अगर आप देखोगे तो एक्टिव का एक ऑप्शन है रिसोर्स पैक पे, तो अगर आपके पास मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड रिसोर्स पैक होंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। बिहेवियर पैक्स भी सेम है। फिर आपको क्या करना है, इधर जो अपना ये क्रिएट का ऑप्शन है ये वाला, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। फिर आपका जो वर्ल्ड है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। और गाइज अगर आपके पास नहीं होंगे कोई रिसोर्स पैक तो आप जा सकते हो माय पैक्स पे, फिर जा सकते हो व्यू मार्केट प्लेस पे। तो अरे हाँ, व्यू मार्केट प्लेस पे जाने के बाद आपको ये बहुत सारे रिसोर्स पैक जो है वो मिल जाएंगे। इधर देखो कितने सारे रिसोर्स पैक है, ये देखो कितने सारे हैं। और अगर आपको इनको परचेस करना है, आपके पास ये जो है माइनक्राफ्ट के कॉइन्स होने चाहिए, ये देखो इधर आते हैं आपके पास कितने कॉइन है कितने नहीं करके, ये रुको दिखा रहा हूँ। हाँ ये देखो इधर आते हैं, ये दिख रहा है, हाँ। तो उधर अभी आपको क्या करना है, इधर प्लस पे क्लिक करना है अगर आपके पास 0 कॉइन होंगे। आपको चाहिए तो आप 320 कॉइन ले सकते हो 160 रुपये के, और आप 960 प्लस बोनस 60 कॉइन्स ले सकते हो, मतलब इन टोटल 1020 ऐसा होता है ना, 1020, हाँ 1020 आप कॉइन्स ले सकते हो 500 रुपये में। फिर आप ले सकते हो 600 प्लस 1600 प्लस 120 1720 कॉइन 800 रुपये में। फिर आप ले सकते हो अपने 3500 कॉइन 1600 रुपये में। फिर आप ले सकते हो 8800 कॉइन 3250 रुपये में। तो ये, अरे भाई मुझे परचेस नहीं करना मुझे, हाँ। तो ये सब हो गया। फिर जो है आपको एक बार सब सेटिंग देख लेनी है, आपने वर्ल्ड का नाम डाले, ये चला कैसे गया, एक बार चेक कर लेना है, इसलिए सब सेटिंग YT, हाँ। तो फिर ये सब चेक कर लेना है, देखो उस वर्ल्ड की सेटिंग सब चेक कर लेना एक बार फिर से, सीड भी डायलॉग का सब चेक कर लेना है, फिर शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेना, इमीडिएट रिस्पॉन्ड, ठीक है, सब सेटिंग एक बार चेक कर लेना फिर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इधर क्रिएट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, आपका जो वर्ल्ड है वो जो है क्रिएट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो भाई यार बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप जो है वो माइनक्राफ्ट में स्किन्स जो है, मतलब यूट्यूब पे नहीं पूछते, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछते, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये देखो ड्रेसिंग रूम में जब आप जाओगे ना तो एडिट, ये देखो एडिट कैरेक्टर पे जब आप जाओगे तो इधर गेट मोर स्किन्स का ऑप्शन होता है ना, गेट, ये देखो गेट मोर पे, तो इधर क्लासिक स्किन्स पे गेट मोर का ऑप्शन पे क्लिक करने का, फिर आपको बहुत ज़्यादा स्किन देखने को मिल जाएंगे। ये देखो ये अभी आप इधर समझो मुझे ये लेना है तो मैं इधर इस पर क्लिक करूँगा, और फिर ये जो इक्विप का ऑप्शन है, इक्विप
ये इक्विप के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो इससे क्या है मेरी स्किन जो है इक्विप हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो मुझे समझो और कोई अच्छा यही है क्या, तो मैं ये चेंज करता हूँ ठीक है। तो एडिट कैरेक्टर पे जाके क्लासिक स्किन्स पे जाके, ये देखो क्लासिक स्किन्स मतलब ये ऑप्शन ना, ये ऑप्शन पे जाना है आपको, और उस ऑप्शन पे जाके ये जो इधर गेट मोर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, गेट मोर के ऑप्शन पे ठीक है। गेट मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते आप जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको बहुत ज़्यादा, ये देखो जिन स्किन पर लॉक वाला साइन है ना उसको आपको परचेस करना पड़ेगा ठीक है, और जिन और जो स्किन पर लॉक वाला साइन नहीं है अभी, ये देखो ये इस पर नहीं है तो मैंने ये इक्विप कर लगती है, तो वैसे ही ठीक है गाइस। तो जैसे आपको जो स्किन चाहिए वो आप इधर से ले सकते हो, मतलब जो स्किन वो आपको पैसे में भी मिलेगी इधर से स्किन पर, अगर फ्री वाले स्किन चाहते हो तो ये देखो ये इधर जो है नीचे ये जो है इक्विप का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इक्विप पे क्लिक करते ही आपकी ये जो स्किन है वो इक्विप हो जाएगी, जैसे ही आप पीछे जाओगे ये देखो दिस कैरेक्टर ठीक है। तो होप करता हूँ आपको सब समझ आया होगा गाइज। तो गाइज अगर आपको सब समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको और एक वीडियो बना के ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे ऐसी ही धमाकेदार ट्यूटोरियल वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय।